आप भी मेरी तरह डरते हो मेकअप लगाने से, क्योंकि आपको लगता है कि इसके वजह से आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी। क्या आप भी मेकअप इसलिए नहीं लगाते क्योंकि आपको लगता है कि मेकअप लगाने के बाद आपके पोर्स क्लॉग हो जाएंगे, जिसके वजह से आपको एक्ने पिंपल हो सकते हैं एंड आपके चेहरे का जो सुंदरता है वो बिगड़ सकती है? क्या आप भी मेकअप से लगाने का चाहते हो लेकिन आपको पिंपल्स का डर लगता है? तो इस वीडियो का आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। वेलकम और वेलकम बैक टू डूब चैनल, दिस इज योर ममता। सो यार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे एंड अपने आप को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि आपसे मैं टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज की पूरी वीडियो किस पर होने वाली है, आज की पूरी वीडियो होने वाली है स्किन केयर के ऊपर। मतलब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको मेकअप लगाने के बाद कैसा रूटीन फॉलो करना चाहिए जिससे आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम ना हो। ये रूटीन इतना ज़्यादा सिंपल है कि अगर आपने इस रूटीन को फॉलो कर लिया मेकअप लगाने के बाद, तो आपको डेफिनेटली कोई पिंपल कोई एक्ने देखने के लिए नहीं मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट अ वीडियो। लेकिन वीडियो में मूव ऑन करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नहीं हो देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना द रेड बटन बिलो, इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी। सो गाइस, ये जो एक्ने रूटीन होगा वो सिर्फ 3 स्टेप का होगा एंड ये रूटीन मेक श्योर करेगा कि आपको कभी भी मेकअप लगाने के बाद एक्ने पिंपल जैसी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो इस रूटीन में कुछ 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट वन इज ऑयल क्लींजिंग, सेकेंड वन इज क्लींजिंग एंड थर्ड वन इज फेस मास्क। एंड ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने हेयर को अच्छे से बांध लूंगी सो दैट जब मैं इस रूटीन को फॉलो करूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इस हेयर बन को बना लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप वन इज ऑयल क्लींजिंग। तो ऑयल क्लींजिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। आप चाहो तो आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, पर्सनली मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ कर सकती हूँ। आप इसको इसके सिर्फ कुछ 3 to 4 drops लेने हैं एंड इसे अपने पूरे फेस पे पहले स्प्रेड कर लेना है, ठीक है? अच्छे से स्प्रेड कर लेना है एंड इसे ऐसे ही रहने देना है फॉर 2 to 3 seconds, क्योंकि ऑयल हेल्प करेगा कि आपके सारे मेकअप को मेल्ट कर दे, तो वो इजीली रिमूव होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपकी स्किन मेरी तरह एक्ने प्रोन है तो आप कोकोनट ऑयल को बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना, और अगर आपको ये नहीं यूज़ करना तो आप कोई भी फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज क्लींजिंग बाम भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है एंड 2 to 3 seconds में ऐसे ही आपके हैंड लेना है एंड देन आपको हल्के हल्के हाथों से सिर्फ स्क्रब करना है, लाइक ऐसे मसाज करनी है। ये मेक श्योर करेगा कि आपके फेस पे जो भी मेकअप है वो रिमूव हो जाए। ऑयल क्लींजिंग के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो ये आपके फेस को डीपली क्लींस करता है, आपके ओपन पोर्स को बहुत अच्छे से मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, उसमें से गंदगी को रिमूव करने में हेल्प करता है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड को रिमूव करने में हेल्प करता है एंड फेस पे जो भी इम्प्योरिटीज होगी ना उसे भी रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आपके स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प करता है इंक्रीज करने में, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाती है एंड अगर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो आपको पिंपल जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आपको अच्छे से मसाज करना है, आपको गर्माहट फील होगी जैसे आप मसाज करोगे, तो ये हेल्प करेगा कि आपके जो फेस से जो मेकअप है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। ये ऑयल क्लींजिंग रूटीन मैं हमेशा फॉलो करती हूँ जब भी मैं मेकअप लगाती हूँ। वैसे तो मैं कुछ ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने हल्का सा सीसी क्रीम भी लगा लिया तो मैं इस रूटीन को फॉलो करती हूँ एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो गाइस, मैंने अच्छे से इस पूरे ऑयल को अच्छे से क्लींस कर लिया अपने फेस पे। अब आपको एक सॉफ्ट टॉवल लेना है या कपड़ा लेना है एंड इसे पूरा वाइप ऑफ कर लेना है। आप चाहो तो हल्का गरम टॉवल भी ले सकते हो गरम पानी में डुबो के। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि इसने मेरे फेस से सारा मेकअप निकल गया है, बट थोड़ा बहुत भी जो रेसिड्यू है वो स्टेप 2 से निकल जाएगा। तो स्टेप 2 इस फेस वॉश। फेस वॉश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेरा फेवरेट वीको टर्मरिक का टर्मरिक फेस वॉश। इसके ऊपर मैंने अलग से रिव्यू अपने चैनल पर दे रखा है, आपने नहीं देखा होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कोई भी फेस वॉश से फेस वॉश करना है तो मैं यूजिंग दिस फेस वॉश अपने फेस को अच्छे से वॉश करके आती हूँ एंड देन मैं आपसे मिलती हूँ। सो जैसा कि आप सब देख सकते हो कि मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, अब मैं इसे कर लूंगी पैड ड्राई। तो अब हम मूव ऑन कर सकते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, विच इज एन फेस मास्क। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट चाहिए जिसमें आपका खर्चा आएगा सिर्फ 1 रुपया। यस, आपने सही सुना,
तो इस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए आप कुछ ये डिसिप्लिन टैबलेट्स, हाँ हाँ ये वही डिसिप्लिन टैबलेट्स है जो कि आप हेडेक में सर दर्द में यूज़ कर सकते हो। आपको एक बाउल में दो टैबलेट्स लेनी है एंड देन उसमें आपको ऐड करना है बहुत थोड़ा सा गर्म पानी। गर्म पानी आपके पोर्स में से गंदगी को निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एंड देन इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आपका जो फेस मास्क है वो रेडी हो जाएगा। अब इस फेस मास्क को आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। सैलिसिलिक एसिड आपके एक्ने को रिड्यूस करने में, ड्राई आउट करने में हेल्प करता है और इसमें प्रेजेंट सैलिसिलिक एसिड आपको जो वाइट हेड्स है उसे भी रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको ब्लैक हेड, वाइट हेड, एक्ने, पिंपल की प्रॉब्लम है तो ये इस मास्क आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। मेरे को इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। दो टैबलेट में ही मेरा काम हो जाता है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कम पड़ रहा है तो आप तीन टैबलेट्स भी ले सकते हो। इस मास्क आपको पूरे फेस पर अप्लाई करना है। ये एज अ स्क्रब भी काम कर देता है जो कि आपकी स्किन से गंदगी को रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मास्क खत्म हो चुका है एंड इसने मेरे पूरे फेस को अच्छे से, मैंने अपने मास्क लगा लिया है। अब आपको इस मास्क को ड्राई आउट करने के लिए छोड़ देना है फॉर 5 to 10 minutes, उससे ज़्यादा नहीं, वरना ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देगा। 5 to 10 minutes में ये अच्छे से ड्राई हो जाए एंड देन मैं आपको 5 to 10 minutes बाद मिलती हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि 5 से 10 मिनट में मेरा जो मास्क है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है एज यू गाइस कैन सी। अब आपको यूजिंग कोल्ड वाटर आपको इस पूरे फेस मास्क को वॉश कर लेना है एंड देन मैं इसे अच्छे से वॉश कर लिया एंड देन मैं वॉश करने के बाद आपसे। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे कर लूँगी पैर ड्राई। And now you can see the real results कि इसने मेरे फेस से सारे मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव कर दिया है। इवन द काजल एंड लिपस्टिक बहुत अच्छे से सब कुछ रिमूव कर दिया है एंड एट द सेम टाइम इसने मेरे फेस को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग भी बना दिया है एंड काफ़ी ज़्यादा प्लम्पी भी बना दिया है इस रूटीन में। गाइज, ये रूटीन काफ़ी ही ज़्यादा अमेजिंग है अगर आपको मेकअप के बाद एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। सो गाइज, आप इस रूटीन को डेफिनेटली फॉलो करना एंड अगर आप इस रूटीन को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन। सो यार, आज की वीडियो बस ये तक थी। वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं भी साथ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।